मैदान पर वो कौन आया जिसे देखते ही अश्विन ने तूफानी अंदाज में शतक लगाया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। अश्विन की चर्चा हो रही है और चर्चा होनी भी चाहिए। चर्चा हो रही है, तारीफ हो रही है, कहा जा रहा है कि वाह अश्विन कमाल कर दिया यार, अपने घर में तूफान मचा दिया, बांग्लादेश को उसकी औकात बता दी। और अश्विन ने जिस अंदाज में शतक लगाया, क्योंकि शतक को टेस्ट क्रिकेट, जब इंसान टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाता है तो थोड़ा धीमा खेलता है, लेकिन अश्विन का तो अंदाज ही अलग था। अश्विन ने तो वनडे के स्टाइल में टेस्ट में शतक लगा दिया। कमाल की परफॉर्मेंस अश्विन की रही। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से सातवें विकेट के लिए अश्विन और जडेजा की पार्टनरशिप हुई, उसने दिल जीत लिया। कमाल की परफॉर्मेंस इन दोनों की रही। 199 रनों की पार्टनरशिप अश्विन और जडेजा ने की। इससे पता चलता है कि निचले क्रम तक टीम इंडिया की बल्लेबाजी किस तरीके की है और दोनों ऑलराउंडर्स ने, स्पिन ऑलराउंडर्स ने किस तरीके की परफॉर्मेंस करके दिखाई है। लेकिन अश्विन के शतक के पीछे की वजह क्या थी, क्या आप लोग समझते हैं? क्या आपको पता है कि इस शतक के बाद आखिर वो कौन सी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसके बाद में कहा जा रहा है कि अश्विन के अंदर जोश इस इंसान ने भरा था, अश्विन का ये पीछे शतक के पीछे ये इंसान था। दरअसल जिस वक्त अश्विन बल्लेबाजी कर रहे थे, उस वक्त कैमरे की नजर स्टेडियम में बैठे एक इंसान पर पड़ी और वो इंसान थे आर अश्विन के पिताजी। आर अश्विन के पिताजी जिस वक्त अश्विन बल्लेबाजी कर रहे थे, उस वक्त स्टेडियम में ही मौजूद थे। और जब अश्विन ने अर्धशतक लगाया, अश्विन के पिताजी ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया, उनकी मतलब उनको कह सकते हैं कि उनका मनोबल बढ़ाया। और एक पिता अगर स्टेडियम में मौजूद हो और बेटा बल्लेबाजी कर रहा हो और बल्लेबाजी करने के बाद बेटा शतक लगा दे, तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। आप अपने पिता के सामने अगर अपनी काबिलियत को दिखा रहे हैं, अपनी काबिलियत को दर्शा रहे हैं, शतक लगा रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। तो जाहिर तौर पर आर अश्विन ने भी वही कमाल किया। अपने घर पर थे, क्योंकि वो उनका होम ग्राउंड है, अपने घर पर थे और अपने घर पर अपने पिता के सामने अगर शतक अश्विन ने लगाया है तो जाहिर तौर पर जश्न जो होता है वो दोगुना हो जाता है। जब आप अपने पिता के सामने कोई इस तरीके का कारनामा करते हैं, देश का मान बढ़ाते हैं, सम्मान बढ़ाते हैं, तो जाहिर तौर पर एक खिलाड़ी के तौर पर ये एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं कि अचीवमेंट होता है, एक बहुत बड़ा कारनामा होता है कि आप अपने पिता के सामने कारनामा करें। तो अश्विन की बल्लेबाजी की तारीफ तो हो ही रही है, क्योंकि एक मैच्योर खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी बल्लेबाजी में कमाल करते हैं, लेकिन अपने पिता के सामने किया गया कारनामा वास्तव में अश्विन का काबिले तारीफ है। आपका इस शतक पर, अश्विन के शतक पर क्या कहना है, उनकी बल्लेबाजी को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।